कक्षा 10वीं और 12वीं का सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है। सिर्फ सीजी बोर्ड का नहीं, एमपी बोर्ड का भी जो बोर्ड एग्जाम है 10वीं 12वीं, उनका सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है। तो कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रश्नों को कम किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं इकाई वाइज आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे एक इकाई में कक्षा 12वीं के जो भौतिक है उसका जो प्रश्न है, उसमें दो अध्याय, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय से बुक आप देखना, सीजी का मैं बता रहा हूँ ना, तो दोनों अध्यायों में से जो प्रश्न आएंगे, यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, तो इन 6 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम पे आएंगे। और ये जो प्रश्न है ये मोस्ट आईएमपी है, मतलब 5 नंबर के प्रश्न में फिक्स है आना। तो आप 1 से लेके 4 तक के कन्फर्म याद रखो, 5-6 को अगर ज़्यादा याद नहीं रख सकते तो थोड़ा बहुत पढ़ के उसे थोड़ा सा समझ के रखो, लेकिन 1 से 4 तक के कन्फर्म है कि वहाँ से कोई एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप अच्छे से इसको याद कर लो।